डेरा जगमाल वाली दी गद्दी ते विवाद विचाले लाल डायरी आई सामने। संत बहादुर चंद ने 1 जनवरी 2023 नूं ही लिख दित्ती सी वसीयत। वरिंदर ढिल्लो दे नाम कर दित्ता सी पूरा डेरा। राज्यसभा चेयरमैन दे नाल मुड़ पिड़े जया बच्चन। जगदीप धनखड़ नूं बोले तुहाडी टोन ठीक नहीं तां चेयरमैन ने मर्यादा च रहण दी दित्ती नसीहत। मनीष सिसोदिया नूं सुप्रीम कोर्ट तों मिली जमानत। 17 महीने बाद जेल तो बाहर आउणगे सिसोदिया। आप बोली सत्यमेव जयते। मनीष सिसोदिया नूं बेल ते सीएम मान दा बयान। बोले सिसोदिया जी दी जमानत सच्चाई दी जित। सुनीता केजरीवाल ने कहा भगवान दे घर देर है हनेर। रूसिया में फंसे भारतीय दे विदेश मंत्री एस जयशंकर दा लोकसभा जवाब। कहा मामले नूं गंभीरता नाल रह रही भारत सरकार। नौजवानों नूं रूस भेजन वाले एजेंटा खिलाफ हो रही है कार्रवाई। अमृतपाल दी मेंबरशिप नूं चुनौती देने वाली पटीशन सुप्रीम कोर्ट वालों खारिज। पटीशनकर्ता नूं इलेक्शन कमीशन कोल अर्जी दाखिल करने की हिदायत। हरिमंदर साहब लगे निशान साहब दे बदले गए वस्त्र। केसरी रंग की थां हुण बसंती रंग दे पोशाके। जथेदार दीप कुमार तों बाद बदलिया पोशाके दा रंग। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा नाल फोन ते कीती गलबात। पैरिस ओलंपिक्स च सिल्वर मैडल जीतण ते दित्तियां वधाइयां। नीरज दे माता दी खेड भावना दी कीती तारीफ। हरियाणा सरकार ने मनु पाखर ते सरबजोत सिंह नूं दित्ती सरकारी नौकरी। खेड विभाग च लगाया डेप्टी डायरेक्टर। सीएम नायब सैणी ने दोहां नूं कीता सम्मान। सीएम भगवंत मान ने निशानेबाज मनु पाखर नाल कीती मुलाकात। सीएम मान ने मनु पाखर दा कीता स्वागत। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान भी रहे मौजूद। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजीत कौर, न्यूज 18 पंजाब। हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे दिल्ली के सबका डेप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिन्होंने 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के वालों जमानत दी गई है। ते सिसोदिया की जमानत ते हुण बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी ने कहा है कि बेल का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं है। बेल मिलना स्वाभाविक गल है, सिसोदिया अपराध मुक्त नहीं है। बीजेपी के वालों आ बयान जो है स्टेटमेंट जारी की गई है। जिक्रयोग है कि आज तड़क साढ़े तकरीबन 11 बजे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के वालों मनीष सिसोदिया नूं बेल दी गई सी, जमानत दी गई सी, कि जिस ते हुण बीजेपी का बयान सामने आया। इस विचारे दिल्ली के साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नूं सुप्रीम कोर्ट ने आज ही जमानत दी है। सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल तो बाहर आउणगे। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक मनीष सिसोदिया जेल तो बाहर आ जाएंगे। सिसोदिया नूं दिल्ली शराब नीति घोटाले नाल जुड़े सीबीआई ते ईडी दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट के वालों राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वालों कई वड्डियां टिप्पणियां भी कीतियां गईयां सी कि जे सबूत सारे ईडी दे कोल सीबीआई दे कोल मौजूद ने ते ट्रायल हुण तक शुरू क्यों नहीं कीता गया। इस दे विचाले सीबीआई नाल जुड़े भ्रष्टाचार दे केस च सिसोदिया नूं 26 जनवरी 2023 नूं गिरफ्तार किया गया सी। ईडी ने 9 मार्च 2023 नूं मनी लॉन्डरिंग मामले च सिसोदिया की गिरफ्तारी पाई सी। 28 फरवरी 2023 नूं मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्री अहुदे तों अस्तीफा दे दिता सी। सुप्रीम कोर्ट ने कई तलख ते अहम टिप्पणियां कीतियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस हुण तक 400 गवाहां नूं पेश किया जा चुका है। हजारा डॉक्यूमेंट्स, हजारा दस्तावेज जो ने वह पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों च केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई भी संभावना नजर नहीं आती। इहोजे सिसोदिया नूं हिरासत च रखना उन्हां दी स्वतंत्रता दे जो है आजादी दे मौलिक अधिकार का उल्लंघना होवेगा। सिसोदिया अज शाम तक जेल तो बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी राउज एवन्यू कोर्ट भेजी जाएगी। उतों ही सिसोदिया 10-10 लाख उन्हें बेल बॉन्ड भरना पवेगा। फिर रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इस बाद सिसोदिया बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम जो वर्कर्स ने, तमाम आगू ने, खुशी दी लहर है क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम तक जो है सिसोदिया जेल तो बाहर आ जाएंगे। इस विचाले आम आदमी पार्टी के तमाम आगुआ दे वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो केंद्र की बीजेपी सरकार से कितना कितने हमलावर से कहा गया कि पोलिटिकल वैंडेटा के तहत पूरी कार्रवाई की गई है क्योंकि सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत जो है नहीं मिल पाया। तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद तमाम आम आदमी पार्टी के आगुआ के वालों किया गया। कहा गया कि लोकतंत्र की अज जित हुई है। इस विचाले जो आतिशी
जल मंत्री से कितना कितने भावुक भी होते हुए नजर आए। तस्वीर सब कुछ बयान कर रही है, एक दूसरे का मुंह मिठा करके खुशी जो है वो मनाई जा रही है, क्योंकि 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल तो बाहर आएंगे ते उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक मनीष सिसोदिया जेल तो बाहर आ जाएंगे। हालांकि जो तमाम बीजेपी का इस पे बयान सामने आया है, बीजेपी ने कहा है कि बेल का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं है, बेल मिलना स्वाभाविक गल है, सिसोदिया अपराध मुक्त नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है, इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। इनके वो जेल में थे, वो किसकी जीत थी? अरे भाई, पॉलिटिक्स क्यों कानून के दायरे में करते हो? अब कितने टाइम्स हर क्रिमिनल को, जो कातिल भी है, कत्ल भी किया हो, जिसने रेप भी ये किया हो, कभी ना कभी बेल तो उसको भी मिलती है। ये जीत हार की बात कहाँ है भाई? ये देखो भाई, उनको कितने साल, कितना टाइम हो गया जेल के अंदर, आप उसे देखो। बेल तो हर चोर को, हर क्रिमिनल को बेल तो मिलती है। सिसोदिया नूं बेल दिते जानते सीएम भगवंत मान का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि सच्चाई दी जित है, मनीष सिसोदिया जी दी जमानत। सुनीता केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। सुनीता केजरीवाल दे वल्लों लिखा गया है कि भगवान दे घर देर है, हनेर नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो वर्कर्स ने, आगू ने, उन्हां च खुशी दी लहर जरूर है, क्योंकि एक वड्डा आगू, एक वड्डा चेहरा आम आदमी पार्टी का, जिसके कि तमाम इल्जाम सी, वो हुण बेल ते बाहर आउणगे। 17 महीनिया बाद सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों उन्हां नूं बेल दित्ती गई है। सीएम भगवंत मान दे वल्लों भी इस ते बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि सच्चाई दी जित है, मनीष सिसोदिया दीदी जमानत। सुनीता केजरीवाल दे वल्लों ट्वीट किया गया, उन्होंने लिखा है कि भगवान दे घर देर है, हनेर नहीं। इस विचाले सिसोदिया नूं जमानत मिलने ते कैबिनेट मंत्री आतिशी बेहद ही भावुक होंदे हुए नजर आए, इमोशनल हो गए। आतिशी ने कहा है कि सिसोदिया नूं झूठे केस च जेल विच रखा गया है। दिल्ली दे सिक्ख्या क्रांति दे जनक ने मनीष सिसोदिया, अज सच्चाई दी जित होई है। सिसोदिया नूं दिल्ली दे बच्चियां नूं वधिया सिक्ख्या देण दी सजा जो है वो दित्ती गई है। हालांकि आतिशी दे वल्लों बयान स्टेटमेंट जारी की गई सी। हालांकि जो आतिशी वो बोलते हुए बेहद ही भावुक भी हुए, भावुक होके इंटरैक्ट हो पाए। आतिशी दे वल्लों कहा गया है कि दिल्ली दे बच्चियां दी जित हुई है, दिल्ली दी जनता दी जित हुई है, दिल्ली दे लोकतंत्र दी जित हुई है। ते सिसोदिया नूं झूठे केस च जेल च रखा गया सी, अज सच्चाई दी जित। इस स्कूल पे बधाई देने से पहले
इस स्कूल के बारे में बताने से पहले मैं ना सिर्फ आपको, मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट, कॉल 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4 9207 4
की सेलिब्रिटी हो पर मर्यादा बनाई रखनी होवेगी। मैं अजिहा बर्दाश्त नहीं करांगा। मैं इत्थे जो देख रहा हां ओ तुसी नहीं देख पा रहे। मैनू किसी स्कूलिंग की लोड़ नहीं है। इस दे नाल ही राज्यसभा चेयरमैन ने हंगामा करन ते विरोधी सांसदां नू झाड़ भी लगाई ते कहा कि तुसी पूरे देश नू अस्थिर करना चाहते।
टेक योर सीट। अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर, एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। वन सेकेंड ऑनरेबल मेंबर्स, जया जी, यू अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू नो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर, यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर एवरी डे। I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? No, no, no shit given to you. No. You don't have floor now. No. Enough of it. Enough of it. No. Enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing, no. Question number 196, Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? Sir, she's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair? To question the tone and tenor? Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khadgeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know. You want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. Tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है, अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you, you are a nuisance, buddhihin, ye sab shabd jo hai, treasury bench wale bhi bolte hain. Celebrity. Haan,
he said, you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying, I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रहेंगे? क्योंकि मैम तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. तेरा सभा चेनाल मुर्तोपड़े ने जया बच्चन मैं कलाकार हाँ बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन समझती हाँ आज जया बच्चन दे वलो अंदर बोलिया गया हाउस के अंदर तुहाड़ी टोन एक्सेप्ट नहीं है असी सारे कुलीग्स हाँ पर तुसी चेयर ते बराजमान हो पर इस दे विचाले जगदीप धनखड़ दे वलो भी चार लगाई गई जया बच्चन पर जया बच्चन दे वलो फोन कहा गया है कि इस पूरे मुद्दे ते मसले ते माफी उना दे वलो मंगी गई है उना दा कहना है कि आई नीड एन अपॉलजी यानी कि अपॉलजी माफी मंगन जगदीप धनखड़ ते इस दे विचाले तुसी सेलिब्रिटी हो पर मर्यादा बनाई रखनी बेहद लाजमी है जगदीप धनखड़ दे वलो आ बयान स्टेटमेंट दित्ती गई जिस चल के आज विरोधी खेमा है उसने वॉकआउट रास्ता तो कर दिया